हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो से हम लोग असम स्पेशल टेट के लिए अल्टरनेटिव इंग्लिश का क्लास को शुरू करेंगे इसके अंदर हम लोग 200 सौ एम सी के डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम से लिया गया है और उसका सबसे पहला क्लास है थर्टी डेज के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे जो पेडागोजी पार्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में आप सभी को हेल्प करेगा इस वीडियो का पी भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा तो आइए आज का सबसे पहला वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्निंग क्या है एक ग्रेजुअल प्रोसेस को कहा जाता है लैंग्वेज लर्निंग तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज क्या है आइए जानते हैं लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय साउंड ऑपरेटिंग थ्रू ऑर्गेन ऑफ स्पीच एमॉन्ग मेंबर ऑफ गिवन कम्युनिटी एंड यूजिंग ए वोकल सिंबल प्रोसेसिंग आर्बिट्री कन्वेंशनल मीनिंग लैंग्वेज इज ए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड स्किल व्हिच डेवलप इन चाइल्ड एस्पॉन्टेनियसली विदाउट कॉन्शियस इफर्ट और फॉर्मल इंस्ट्रक्शन ये ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है और लैंग्वेज लर्निंग जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कहा जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवेन यानी उस स्किल को उस आर्ट को उस वे को क्या बोला जाता है जिसके माध्यम से स्किल और प्रैक्टिस करके लैंग्वेज को सीखते हैं उसको लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लर्निंग और इक्वेशन दो लैंग्वेज के अंदर टर्म है दोनों को आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैंग्वेज इक्वेशन लैंग्वेज इक्वेशन एक रिपीट प्रोसेस है लैंग्वेज इज पिक अप विद नो फॉर्मल अटेंशन टू लैंग्वेज स्टडी इसमें लैंग्वेज का स्टडी करने के लिए कोई फॉर्मल अटेंशन के लिए जरूरी नहीं होता है ये सब कॉन्शियस प्रोसेस से सीखा जाता है इसके अंदर इफोर्ट नहीं लगता है वहीं पे लैंग्वेज लर्निंग जो है बहुत ही रिलेटिवली स्लो प्रोसेस को कहा जाता है लैंग्वेज इज स्टडीज इन लैंग्वेज क्लासरूम इन ए फॉर्मल मैनर इसको फॉर्मल मैनर के माध्यम से सीखा जाता है इसके लिए कॉन्शियस प्रोसेस कॉन्शियस इफोर्ट चाहिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस यदि कोई लैंग्वेज नेचुरली सीखा जाता है बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस से उसको क्या बोला जाएगा उसको लैंग्वेज इक्वेशन कहा जाता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड हैज़ टू यूज हायर ऑर्डरमेंटल प्रोसेस सचेज इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन हु टाइप ऑफ लर्निंग किस लर्निंग के अंदर चाइल्ड को इंटेलिजेंस और रीजनिंग यूज़ करना पड़ता है कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर यूज करना पड़ता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू भाइगोस्की लर्निंग इन ए चाइल्ड और एडल्ट टेक प्लेस ड्यू टू तो भाइगोस्की के हिसाब से लर्निंग जो है चाइल्ड या फिर एडल्ट में किस प्रकार होता है सोशल इंटरेक्शन से होता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाइगोस्की का कॉन्सेप्ट जो है बायोगकी वॉज द ओपिनियन दैट सोशल इंटरेक्शन प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजी लर्निंग और ड्यू टू पियाजी के हिसाब से लर्निंग किस प्रकार होता है आप सभी के पास चार ऑप्शन दिया है और एक अंडरलाइन वर्ड किया गया है सेंटेंस के अंदर उसके लिए सबसे सुटेबल मीनिंग कौन सा होगा लर्निंग ए लैंग्वेज रिफर टू डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव स्किल स्किल को तो अंडरलाइन किया गया है देन मास्टरी ओवर द कंटेंट यहाँ स्किल का जगह क्या होगा स्किल का जगह सबसे सुइटेबल वर्ड होगा एबिलिटी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग अ लैंग्वेज इन्वॉल्व द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लिंक बिटवीन द लैंग्वेज फॉर्म फॉर्म को ऑनलाइन किया गया है यहाँ पे फॉर्म का जगह क्या होगा सबसे अच्छा मीनिंग अ सुइटेबल वर्ड ऑनलाइन वर्ड के लिए क्या होगा यूजेज होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रेन कैन बेस्ट लर्न ए लैंग्वेज वैन दे आर हैविंग चिल्ड्रेन जो है लैंग्वेज को कब अच्छी तरह से सीखते हैं जब वो मोटिवेटेड होते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तो ये सब क्वेश्चन था पहला क्लास के अंदर बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू